सरकार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकरी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए एक साल के बच्चे को नया जीवन दिया है। बच्चे की जीभ कट जाने की वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसका ऑपरेशन कर डॉक्टरों द्वारा उसे स्वस्थ किया गया। मानव सेवा ही माधव सेवा के उद्देश्य को लेकर संचालित हो रहा SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग लगातार अपने मूल मंत्र को चरितार्थ करता चले आ रहा है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा एक बार फिर से एक बच्चे को नया जीवन देकर अपनी श्रेष्ठता साबित की गई है। खैरागढ़ निवासी एक बालक रात को सोते समय अपने पलंग से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी जीभ पूरी तरह से कट गई थी और बच्चा लहूलुहान हो गया था। बच्चे के परिजनों द्वारा उसे खैरागढ़, राजनांदगांव सहित भिलाई के अस्पतालों में दिखाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे के ऑपरेशन को लेकर डॉक्टरों द्वारा इनकार कर दिया गया। तत्पश्चात बच्चे के परिजन बच्चे को लेकर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग पहुंचे, जहां बच्चे के परिजनों की सहमति से बच्चे का ऑपरेशन किया गया, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुका है। बच्चे के पिता बृजलाल वर्मा ने बच्चे के स्वस्थ होने और पूर्व की स्थिति को लेकर जानकारी दी। बच्चे रात को बिस्तर से लगभग 1 बजे सोते हुए गिर गया, तो उनका जो जीभ है दांतों से कट गया। वो अचानक कैसे गिरा वो पता नहीं, नींद से था वो और हम लोग भी नींद से थे, तो जब गिरा तो जब रोए तब हमारा नींद खुला। जब खुला तो देखे तो उसका खून से एकदम लथपथ था और अचानक से तो समझ नहीं आया। हम लोग समझे करके दांत वगैरह टूटा होगा, तो एकदम से जैसे साफ करके देखे ना तो उसका जीभ लगभग वही 1/3 कट गया था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, खैरागढ़ अपना नज़दीक था 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ विशेषज्ञ देखे तो बोले कि यहाँ तो इलाज इसका नहीं हो पाएगा, रात को 1:30 बजे होगा। तो यहाँ से वाला डॉक्टर नहीं है ऐसा करके, तो उसके बाद वो रिफ़र कर दिए। रिफ़र किए फिर संजीवनी में जाना, वहाँ हो जाएगा, मैं बात कर दिया हूँ ऐसे करके। संजीवनी में आए तो फिर वो सफाई वगैरह किए, ये राजनांदगांव संजीवनी। सफाई करने के बाद वो क्या है, सर को फ़ोन लगाए, बेहोश वाला डॉक्टर लगेगा करके, टाँका लगाए करके, अवस्था नहीं हो पाया सर का, नहीं आ पाए। तो वो फिर जिला सहकारी भेज दिए, तो जिला सहकारी गए, तो जिला सहकारी में भी आधे घंटे तक साफ सफाई किए और उसके बाद भी वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, तो फिर वहाँ से सीधा यहीं आ गए। और यहाँ आने के बाद तो अपना बस डॉक्टर बताएं कि इसका इलाज हो जाएगा तुरंत, मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, आप डिसीजन ले लो, लगभग 10-15 मिनट में डॉक्टर पहुँच जाएगा ऐसे करके। तो फिर तुरंत अब खून देखकर और इसकी हालत देखकर तुरंत डिसीजन लिए और तुरंत डॉक्टर जो है वो आ गए, फिर ऑपरेशन थिएटर में इसका ऑपरेशन। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी, अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल, ICU इंचार्ज एवं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पवन देशमुख एवं डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने एक साल के मासूम की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। एक साल का बच्चा जो मिथिलेश वर्मा, जिसका नाम, जिसकी जीभ गंभीर रूप से कट गई थी और वह इलाज के लिए भटक रहा था। उसके परिजन लगभग उसे रात को 1:30 बजे से सुबह 7 बजे तक लेकर कई सारे अस्पताल भटके, किंतु उसे जो है वह उचित उपचार प्राप्त नहीं हो पाया। वह हमारे अस्पताल में आया, हमारे अस्पताल में डॉक्टर विश्वामित्र बी दयाल जो कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन है वो उपलब्ध थे। उन्होंने तत्काल कुछ ही मिनट के अंदर बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। आज जो है बच्चे की छुट्टी हो रही है, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। SR हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं, 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ट्रामा सेंटर है, तो क्षेत्र में आसपास जहां भी एक्सीडेंट होता है, ट्रामा होता है, बर्न होता है, तत्काल जो है मरीज को इलाज की सुविधा हमारे अस्पताल में मिलती है। साथ में अस्पताल में ICU की सुविधा, NICU की सुविधा, ट्रामा की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है। SR हॉस्पिटल में राशन कार्ड में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा समय समय पर यह प्रकाशित किया जाता है या अपने दर्शकों को दिखाया जाता है कि किस अस्पताल में कौन सी शासन की योजनाएं लागू हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप आम जनमानस तक अस्पताल का संदेश पहुँचाते हैं, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मरीज के परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास जताया। एसआर हॉस्पिटल की टीम डॉक्टर विश्वामित्र दयाल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर पवन देशमुख जो कि एनेस्थीसिया के इंचार्ज हैं, एनेस्थेटिक हैं, आईसीयू इंचार्ज हैं, ओटी इंचार्ज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उचित समय पे तत्काल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ, आईसीयू के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तत्काल समय रहते उपचार किया और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और अपने घर की ओर जा रहा है। क्योंकि इसके पूर्व भी ऐसा हॉस्पिटल चिखली में लगातार देखा जा रहा है कि बर्न एक्सीडेंटल से जुड़े केस लगातार सामने आते रहे जिसमें लगातार डॉक्टरों को सफलता मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर अस्पताल की? इस उपलब्धि के लिए मैं सबसे पहले जो है ईश्वर की जो देवी कृपा है वो इस अस्पताल पे डॉक्टरों को है और जो हमारी टीम है, हमारा जो टीम वर्क है उसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनके बीच तालमेल है और जो सारी टीम है, डॉक्टरों की टीम, स्टाफ की टीम, वह प्रत्येक मरीज को अपने घर के जैसा समझते हैं कि हमारे घर के जैसा मरीज है और मानवीय संवेदनाओं के साथ। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि तत्काल इलाज उपलब्ध कराना, बेहतर इलाज उपलब्ध कराना एवं सस्ता इलाज उपलब्ध कराना। एक दिन पहले यहाँ पर एक साल का बच्चा जिसका नाम मिथिलेश है, खैरागढ़ निवासी है, अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया, जिसका 12 बजे रात्रि में गिर जाने के कारण जीभ कट गया था और ब्लीडिंग हो रहा था। बच्चा 7 बजे सुबह में हम मेरे हॉस्पिटल में आया। इसके पहले वह लगभग 10 हॉस्पिटल में घूम चुका था, मुझे कहीं पे भी तत्काल सर्वार नहीं मिला था। इमीडिएटली यहाँ के मेडिकल ऑफिसर मुझे इन्फॉर्म किए और मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ में एनेस्थेटिस्ट भी आए, उन्होंने एनेस्थेसिया दिया। बच्चा रात से कुछ खाया नहीं था इसलिए एनेस्थेसिया तुरंत देना संभव हो पाया और मैंने उसको तत्काल रिपेयर करके पहले खून बंद किया और उसके जीभ को बना दिया। उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए और प्रभावित हुए मेरे सेवा से। सर क्या हो गया था उसकी जीभ कट गई? बच्चा रात में बेड पर से गिर गया था जिसके कारण उसके दांत के बीच में जीभ आ गया था और वो कट गया था। ब्लीडिंग लगातार हो रहा था, बच्चे को ब्लीडिंग था और उसका इतना ब्लीडिंग था कि उसके पिताजी का शर्ट बिल्कुल लाल हो गया था, तो देखने में बहुत ही गंभीर लग रहा था। कल प्रातः हमारे यहाँ एक साल का बच्चा कैजुअल्टी में एडमिट हुआ था। बच्चा बिस्तर के ऊपर से गिर जाने की वजह से उसकी जीभ सामने से कट गई थी। माता पिता काफ़ी परेशान थे, सवेरे से बच्चे को लेके कई अलग अलग अस्पताल में गए थे पर कहीं पे उनको ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई। चूँकि एसआर अस्पताल में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2400 घंटे मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे यहाँ तुरंत बच्चे को हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल द्वारा अटेंड किया गया। बच्चे की जीभ में गहरा घाव बना था, जीभ में बड़ा सा टुकड़ा जो था वो अलग हो गया था। उसको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, पूर्ण बेहोश करके उसकी जीभ को वापस अपनी जगह पे सिया गया। प्लास्टिक सर्जन हमारे डॉक्टर दयाल ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चा अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रहा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। क्योंकि सर बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी है, एक साल का लगभग बच्चा है, तो उसको एनेस्थीसिया देने में सर किस तरह की आपको परेशानी आई होगी? मुंह के अंदर के जब भी चोट रहती है तो उसमें एनेस्थीसिया देना एक अलग चैलेंज रहता है, क्योंकि खून बहते रहता है और ऑपरेशन भी उसी जगह का करना होता है और जब मरीज को सांस की नली डालनी होती है वो भी मुँह से डालनी होती है, तो उस तरह के रक्तस्राव में काफ़ी परेशानी होती है। मरीज के फेफड़ों में खून जाके निमोनिया होने का डर रहता है, तो इस प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करने में हमारी टीम हमेशा सफल रही है और मुझे खुशी है कि इस बार भी हम उनके माता पिता ने जो हम पे विश्वास जताया उसको हम उसके ऊपर हम खरे उतरे। 5 तारीख को सुबह सुबह 6 बजे हमारे पास एक बच्चा आया जो 1 साल का है। बच्चा खैरागढ़ का रहने वाला है। रात को सोते वक्त वो बच्चा पलंग से गिर गया जिसके कारण उसके जीभ में बहुत गंभीर चोट लगी थी। जीभ का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा कट चुका था, सामने का हिस्सा बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हो चुका था। बच्चा गंभीर स्थिति में था, बहुत सारे अस्पतालों में घूमता रहा, राजनांदगांव, खैरागढ़ के छोटे बड़े बहुत सारे अस्पतालों में घूमा, पर चूँकि यह हादसा रात का था तो उसको उस तरह की सुविधाएँ नहीं मिल पाई। इमरजेंसी में बच्चे को यहाँ पे जब लाया गया तो हमारे यहाँ पे 7 बजे सुबह प्लास्टिक एंड बर्न यूनिट के सर्जन डॉक्टर दयाल सर आए और बच्चे को इमरजेंसी में लिया और उसके इलाज प्रारंभ करी गई। ओटी में लेके उसको
स्टिच किया गया, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, एहसान हॉस्पिटल में 24 घंटा इमरजेंसी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ के डॉक्टर हर समय कार्यरत रहते हैं और जल्द से जल्द हर केस को अटेंड किया जाता है और अच्छा रिजल्ट रहता है। एहसान हॉस्पिटल का आसपास में बहुत अच्छा प्रभाव है और इनका मतलब जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है पूर्ण लाभान्वित होकर जाता है। बहरहाल अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका लाभ बड़ी संख्या में मरीजों को मिल रहा है। यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत भी मरीजों का उपचार किया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।